अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा व्लॉग जो है ये 2 दिन पहले का है और मैं अपलोड आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग में टाइम काफ़ी लग जाता है। घर के काम भी होते हैं, फिर एडिटिंग करनी होती है क्योंकि हम लोग सारा दिन छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके और उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ती हैं व्लॉग को छोटा बनाने के लिए। थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ता है, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है कई जगह, तो इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है और एक व्लॉग प्रिपेयर करने में अच्छी खासी मेहनत होती है। फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना होता है उसमें भी, तो इसीलिए अभी मेरा वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या किया। तो अभी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ 2 बॉइल्ड एग्स, साथ में मैं जो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ ये मैं लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम होता है हाई ब्लड प्रेशर का, या अगर आप डाइट पे हैं, तो आई सजेस्ट दिस इज़ द बेस्ट सॉल्ट दैट यू कैन यूज़। मैंने ये सॉल्ट यूज़ किया, साथ में ग्रीन टी का कप मैं लूँगी और मेरे बेबीज़ ने ब्रेकफास्ट करी थी और साथ में सारे आके मेरे पास बैठ गए थे। ये सब जो है इन सबको एग बहुत अच्छा लगता है, पर गर्मी है तो इनको तो ऑलरेडी इतनी गर्मी लगती रहती है, तो मैं इसलिए इनको गर्मी में तो एग नहीं देती। सर्दियों में कभी कभी थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो। और ये आगे जो बैठा हुआ है ये टोगो है, मफिन का बेटा। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है ना, कैट्स बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बहुत जल्दी, और अभी 1 साल की भी नहीं होती हैं कि इनके बच्चे हो जाते हैं। और पीछे जो है वो साशा नहीं, सॉरी, जीवा और मैक्स बैठे हुए थे। अच्छा, अब मैं फिर किचन में आ गई क्योंकि मैं अब खाना जो बना रही हूँ, मैं आज अपने मेरा दिल किया कि अपने हस्बैंड को ना थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना कर दूँ। वैसे तो मैं रोज़ कोई डिफरेंट चीज़ बनाती हूँ, लेकिन आज साथ प्रॉपर डिज़र्ट बनाया था, तो डिज़र्ट के लिए मैंने कैंडी बिस्किट लेके उसको शॉपर में डालकर बेलन से मैंने उसको छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर लिया। और एक पैकेट मैंने ले लिया है रफ़ान की मैंगो फ्लेवर की जेली का, तो जेली मैंने बना ली है, पानी गर्म करके जेली डाली है, जैसे ही डिज़ोल्व हुई और स्टोव ऑफ कर दिया। जेली तो सबको याद होगी बनानी, मैं बना रही हूँ मैंगो डिलाइट। और साथ में मेरे हस्बैंड का दिल था कि वो चिकन पुलाव बना के दूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी डिफरेंट ट्विस्ट के साथ बनाती हूँ। ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई रेसिपी है। मैंने क्या किया कि मैं, अच्छा, बना कौन से राइस रही हूँ, मैं चिकन टिक्का पुलाव बना रही हूँ। मैंने चिकन में लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है टिक्का मसाला, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, हाफ स्पून इसमें टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर। क्या हुआ है साशा? हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट देखकर आप डालें क्योंकि चाट मसाला और उसमें भी होता है तिक्का मसाला में भी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर और मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा, होल जीरा भी डाला था। और अब दही डालकर तो मैंने इसको मैरिनेट करके रख दी है। अच्छा, यही रेसिपी जो है ना चिकन की, जो मैंने अपना डाइट चिकन बनाया था वेजीज के साथ, उसकी मैरिनेशन भी मैं सेम ऐसी करती हूँ। अब मैंने चिकन मैरिनेट करके रख ली है, पहले मैं डिज़र्ट बना के फ्रीज़र में रखूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके लिए मैंने लिया है एक पूरा पैक मैंने ऑलपर्स की क्रीम का और उसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है। अच्छी तरह से इसको बीट करूँगी अनटिल के मेरी जो शुगर है वो सारी डिज़ोल्व हो जाए। शुगर डिज़ोल्व हो गई, मैंगो के चंक्स मैंने 2 मैंगोज लेके उनके क्यूब्स कर लिए, जेली मेरी बन गई थी उसके भी मैंने क्यूब्स कर लिए और बिस्किट्स के भी मेरे चंक्स हुए हुए हैं। तो अब मैं मिक्सिंग कर लूँगी इन चीज़ों की। एक बड़े बाउल में मैंने सारी क्रीम निकाल ली है, उसमें मैं ये मैंगो चंक्स ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैंने ना सारी डाल दिए थे गलती से, थोड़े से ऊपर से मैंने गार्निश के लिए भी रखने थे, तो मैंने ऐसी क्रीम वाले निकाल लिए, थोड़ी सी जेली भी मैंने रख ली है ऊपर से डालने के लिए। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब सर्विंग बाउल जो भी आपका होगा उसमें सबसे पहले नीचे बिस्किट्स की लेयर लगानी है, ऊपर से सारा क्रीम का मिक्सचर डाल लें और ऊपर से जिस तरह से भी आपने इसको डेकोर करना आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कैंडी बिस्किट्स यूज़ किए हैं क्योंकि मुझे कैंडी अच्छे लगते हैं,
आप अपनी चॉइस से कोई भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं, कोई भी। इवन आप इसके अंदर ना, मुझे ओरियो बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं, ओरियो के चंक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं ओरियो यूज़ करूंगी, उसका भी मज़े का फ्लेवर आएगा। इसको मैंने बना लिया, अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जब हमने खाने के बाद खाना हो तो। और ये बहुत 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 रिफ्रेशिंग और बहुत मज़े का बनता है ये डिज़र्ट, मैंगो डिलाइट। अब उसके बाद मैं राइस पे आ गई हूँ। राइस के लिए मैंने चिकन को जस्ट ऐसे ही वॉक में डाला, अंदर कोई पानी कोई ऑयल नहीं डाला, तो उसके जो दही और चिकन के पानी से ना चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। पहले स्लो फ्लेम पे पकाए और अब हाई फ्लेम करके मैंने चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लिए कि जो भी उसका वो लिक्विड और मसाला था वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब चिकन को मैं निकाल लूँगी और ये जो कढ़ाई के अंदर मसाला रह गया है ना, इसी में मैंने बाकी राइस बनाने हैं। ओके, मैंने अब दूसरी साइड पे मैंने ले लिया एक ग्रिल पैन। आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप कोई कोई भी फ्राई पैन ले सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के हाई फ्लेम पे मैं चिकन को दोनों साइड से ब्राउन कर लूँगी। ये एक प्रोसेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन टिक्का के ऊपर वही तिक्खे वाला कलर भी चाहिए। जल्दी जल्दी से बस मैंने इसको फ्लिप किया और अब चिकन निकाल लूँगी। चिकन मेरा रेडी हो गया, तो इसके बाद अब मैं राइस की तरफ आ जाती हूँ। ये ऐसे ही मैंने अभी अभी मेरे माइंड में आई थी और मैंने सोचा कि आज बस डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई रेसिपी है और इतनी मज़े की बनती है ना कि दिल खुश हो जाता है इसको खा के। और दावतों के लिए तो ये दोनों डिशेस जो है ना, किसी भी दावत पे बनाएंगे ना आपको बहुत तारीफ़ें मिलेंगी, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। ऑयल में मैंने प्याज काट के डाला, प्याज को जस्ट सॉफ्ट किया है लाइट गोल्डन, फिर उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। और अब मैं इसमें सीजनिंग्स डाल रही हूँ। मैंने इसमें डाला है नमक, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, और इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दिया है। बस यही मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाला भून रही हूँ और फिर मैं इसमें साथ में ही ना मैं दो तीन हरी मिर्चें ऐसी होल डाल दूंगी, क्योंकि पुलाव में जब आप पूरी मिर्च डालते हो ना उसका एक फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। और थोड़ा सा दही डाल के दो तीन टेबलस्पून जितना तो मैं मसाला भून लूंगी। इस पुलाव में मैंने टमाटर नहीं यूज़ किए हैं। और फिर पानी डाल के और अब चावल डाल के उसको पका लूंगी। पानी का मेरा हिसाब ये है कि अगर एक गिलास चावल है तो मैं डेढ़ गिलास पानी लेती हूँ। और ये है जी मेरे पुलाव की फाइनल लुक। राइस को मैंने प्लेट पे निकाला और ऊपर से चिकन रखा है और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। आप भी ट्राई करिए तो आपको भी आई एम श्योर बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।